आज मदर्स डे है तो ये लोग मजे कर रहे हैं और हम लोगों से Hey guys, स्वागत है आप सभी का मेरे नए व्लॉग में। तो अभी स्टार्ट हो रहा है ये व्लॉग शाम के टाइम, अभी 5 बज गए हैं और मैंने अभी जस्ट इससे पहले वाला व्लॉग एडिट किया और यहाँ पे रील्स चल रही है, जो आपको पता है ना रील्स की जो आजकल वो चल चुका है, क्या होता है, आत्मा चढ़ चुकी है सभी को रील चली गई ऐसे स्क्रॉल करते करते एक घंटा कब बीत जाता पता नहीं चलता कुछ ज्यादा प्यार नहीं आ रहा है नहीं कुछ ज्यादा प्यार नहीं आ रहा बस मेरे गाल थक जाएंगे। हाँ तो अभी जस्ट मैं अरे एक मिनट रुक जाओ ना यार। हाँ तो यार प्लीज यार। हाँ तो मैं क्या कह रही थी कि अभी मेरी आ रही है बुआ और काफी दिनों से मैं उनको बोल रही थी कि घर आ जाओ घर आ जाओ यार प्लीज आ रहा। तो मैं उनको काफी दिनों से कह रही थी घर आ जाओ घर आ जाओ और अब आ रही हूँ और अभी शाम के 5 बज के आ जाएंगी थोड़ी देर में। तो यार चुप रह, ये इंटरप्ट करता है बहुत ज्यादा। तो ये आज का दिन स्टार्ट करते हैं, उसका मुंह बंद करती हूँ मैं जब तक। तो अभी हम देख रहे हैं नया व्लॉग और दीक्षु और हमारी लड़ाई हुई थी बहुत। दीक्षु यहाँ दिखा, शक्ल दिखा, कह रही बिल्कुल मत डाल दियो, गलती से मत डाल दियो दिमाग मत खराब कर, गुस्सा आ रहा है। तो अभी हम जा रहे हैं मार्केट कुछ सामान लेने के लिए और गोलगप्पे खाने के लिए, क्योंकि आपको पता है ना गोलगप्पा लवर, वो लवर गोलगप्पा लवर, यहाँ पर ये भी गोलगप्पा लवर, सभी गोलगप्पा लवर, मोमोज लवर भी है, मोमोज लवर दोनों। नाराज हो गया, मैंने थोड़ा सा मजाक करके पागल हो गई है और गोलगप्पे तक नहीं खाए इसने। तो अब चलते हैं घर और बुआ भी आ गए होगी शायद। पापा जब भी ये करते ही भाग जाता है, कितनी तेज भाग रहा है। आ गई, अरे बुआ आ गई। हाय बुआ, नमस्ते और हाय गाइस, हाय ईशु, हाय। हे गाइस गुड मॉर्निंग आप सभी को। अभी सुबह सुबह हम आए हैं पूल में, एक्चुअली मैं पूल में नहीं आई हूँ, ये लोग पूल में खेल रहे बच्चे और मेरी मम्मी भी आई है और मेरी बुआ भी आ रखी है ना, वो भी पूल में कूदने वाले हैं। सुबह सुबह ही पूल खेल रहे हैं, अभी बज रहे हैं सुबह के 10, यहाँ पूल पार्टी चल रही है। यहाँ देखो, ये देखिए, ये देखिए, यहाँ पर मजा आ रहा, मजा आ रहा है। पापा देख रहे मम्मी को, उसके नाखून तो पांच हो गया। आज मदर्स डे है तो ये लोग मजे कर रहे हैं और हम लोगों सफाई करी है। सांस रोकने का ज्यादा चैलेंज, अरे बुआ बाप रे, बुआ कितनी देर तक रोक रही सांस, बाप रे इतनी देर तक रोक रही है। तो गाइस देखते हैं कौन जीतता है, मम्मी या मैं, मेरे को पता ही है मैं ही जीतूंगी। पूरा मुंह करिए अंदर, गुत्ते ने पूरा मुंह अंदर कर दिया। दोनों साथ में बाहर, दोनों ही। तो गाइस बुआ और जा चुके हैं अपने घर, क्योंकि कल उनके बच्चों को स्कूल जाना था और उनका टेस्ट भी था, इसलिए वो सब चले गए घर। और मैंने सोचा था कि बुआ भी रुकेंगी तो उनके लिए भी सरप्राइज करूंगी। तो आज हम बनाने जा रहे हैं मम्मी के लिए एक सरप्राइज केक। पहले मैंने सोचा था गिफ्ट दूँ, बट गिफ्ट ना मम्मी को बिल्कुल नहीं पसंद, तो मैंने सोचा कुछ ऐसी चीज़ बनाती हूँ जो कि सही लगे, क्योंकि अगर मैं कुछ भी खरीदूंगी तो मम्मी बोलेगी क्यों पैसे वेस्ट करें। ही केक बनाते हैं, आई होप अच्छा बन जाए, क्योंकि मैं ना केक बनाती हूँ, कभी अच्छा बनता है कभी बुरा बनता है, तो आज बनाते हैं। केक बन गया, कितना कितना गरम करेगी
तेरा मुंह फोड़ूंगा। क्या आज केक कितना बनाएगी? थोड़ा टाइम लगता है केक बनने में, इसको खाने में तो भूख लग रही है। पागल है क्या? केक बनने में टाइम लगता है अभी तो। तुझे भूख लग रही क्या? तो गाइस रेडी है केक, अब बस प्लेट में डालते हैं। आई होप इसका शेप ढंग से आए। तो गाइस रेडी है मेरा केक और बड़ी मेहनत से बनाया क्योंकि टूट गया था। आई होप मम्मी को पसंद आए। तो अभी हम लेके जा रहे हैं केक। आ रहा, तू लेके जा, इधर इधर आप लेके जाओगे? रुको रुको, ऐसे नहीं, आराम से नहीं, आराम से गिरा मत देना। चलो मम्मी बोलो हैप्पी बर्थडे, बोलो 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 हैप्पी बर्थडे बर्थडे। क्या रो? हैप्पी बर्थडे। तुझे कैसे पता भाई? मुझे पता था। हां तुझे पता था? मेरे को पता ही नहीं था। मम्मी काटो। थैंक यू यार, तो बस खाने की हो रही है। थैंक यू, हैप्पी बर्थडे। अभी बुकड़ो खाने का टाइम हो गया। कैसे बनाया केक? हाँ केक को बताओ कैसे बनाया। बहुत अच्छा बना हुआ है, सच बताओ, मजाक नहीं, सच में टेस्टी बना। अब पिछली बार जो तूने खिचड़ी बनाई थी उससे फर्स्ट बना था उससे। हाँ है वो, हाँ उसने मेरे पापा के बर्थडे बनाया था शायद। मैंने सोचा पिछली बार की जो खिचड़ी बनी थी वो ही पका होगा। आपको ये खिचड़ी लग रही थी उस? ये देखो यार, अच्छा खुश रहो। और कुछ आज की जनरेशन में कुछ बोलोगे? मैं ये बोलना चाहती हूँ सबको, अपनी मम्मी को सब प्यार करें, मम्मी का कहना माने, मम्मी से खुशी से बड़ी बढ़कर कुछ नहीं है। ये इन बुकड़ों को देखियो, के लिए उसके लिए बचा लियो, ये कह रही थी के लिए उसके लिए बचा लियो पहले। मेरे प्यारे प्यारे बुकड़ केक पापा के हाथ में देखो, प्रसाद की तरह दे रखा है। तो गाइस मैं घर आ चुकी हूँ, अभी क्लास गई थी और मैं ब्लॉग एंड करना भूल गई थी, तो ब्लॉग को करते हैं। एंड आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, आपने भी अपना मदर्स डे अच्छे से बनाया होगा। तो लाइक कमेंट एंड शेयर कर देना, नया तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना। तो मैं मिलती हूँ आपको अगली नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय।